क्या आप लोग अपने फोन को अनलॉक करते करते थक चुके हैं? फोन अनलॉक नहीं हो रहा, घर बैठे आप लोगों ने मन बना लिया कि अब जाना है हमें मोबाइल दुकानदार के पास या सर्विस सेंटर वालों के पास। सिंपली रुकिए 2 से 3 मिनट, इस वीडियो को देखिए और अपने फोन को 100% वर्किंग ट्रिक बताएंगे आपके, आप लोग अपने फोन को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नमस्कार गाइस, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनलॉक गुरुजीत। गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एंड्रॉइड फोन को अनलॉक। तो अगर आप लोग के पास किसी भी कंपनी का फोन है अनलॉक नहीं हो रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आए और बताए कि कौन सा कंपनी का फोन है, आप लोग को वो वीडियो सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले अनलॉक करने के लिए आपको इमरजेंसी कॉल पर जाना, अपने फोन में जो है लेटेस्ट कोड उसे अपने फोन में डायल कर लेना, ठीक है। इस कोड को आप लोग लिख लीजिए और वीडियो का नहीं होता है तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इस पर 10 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइम आपको ओके कर देना। ध्यान से सुनिएगा, 10 टाइम आपको ओके करना ही पड़ेगा। ओके करने के बाद आपको इस नंबर को डिलीट कर लेना, अपने फोन में *#899 और हैश डाल देना। तो जैसे ही आप लोग हैश डालेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो इंजीनियर मोड है ओपन हो जाएगा। मैनुअल टेस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, इस प्रकार से फोन को स्क्रॉल कर दीजिएगा। यहाँ पर मैनुअल टेस्ट पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार से फोन को स्क्रॉल कर देना। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपके अपने फोन में जाना है जायरोस्कोप पर। जायरोस्कोप पर जाने के बाद जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट को पहले स्टार्ट करके पास करवाइए। देखिए टेस्टिंग हो रहा और टेस्टिंग के बाद जो है ये पास हो जाएगा। ये तो पहला बार में पास हो चुका है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये पहला बार में पास नहीं होता आप जेनुअली। तो आप क्या करना है, बैक कर लेना है जायरोस्कोप नॉइस डाटा को, इस प्रकार से स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बैक करना है, फिर से आपको बैक करना है और अपने फोन में यहाँ पर सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन पर क्लिक करके अपने फोन में लगे हुए सेंसर्स को आपको चालू करवाना है। हमारे फोन में 3 सेंसर है, हमें 1 सेंसर पास की जरूरत है, हमारे यहाँ 2 सेंसर पास हो चुका, बहुत अच्छी बात है। जो सेंसर पास होगा उसको इस प्रकार से क्लिक कर लीजिएगा और बैक कर दीजिएगा, ठीक है। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है अदर्स पर। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप लोग का मेन काम यहाँ से होगा और मेन काम आपका इससे होगा, ठीक है। रीड राइट इंपोर्टेंट लोकेशन पर क्या करना है, क्लिक करना, कन्फर्म करने के लिए बोलेगा ओके करने, लेकिन पहला बार कैंसिल कीजिएगा, दूसरा बार में भी आपको क्या करना है कैंसिल और तीसरा बार में आपको ओके कर दीजिएगा, ठीक। ओके करने के बाद आपको ये ध्यान रखिएगा की स्टेटस पर क्लिक करके सारे की को आपको पास करवाना है। पास करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक करके रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर को सक्सेसफुली पास करवा लीजिएगा। पास करने के बाद आपको फिर से बैक करना है और फिर से आपको कहाँ जाना है, आपको फिर से जाना है यहाँ पर डिवाइस डीबगिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ चेक अ स्मॉल बोर्ड मैथ पास मिलेगा, सिंपली ये ध्यान रखिएगा चेक अ स्मॉल बोर्ड मैथ पास, ठीक है। पहले इसे आपको क्या करवाना है, ध्यान से देखिएगा, पहले इसे पास करवा करके बैक करके अपने फोन में यहाँ पर जाना है एम सेंसर पर। एम सेंसर पर क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही ये 10 सेकेंड तक हो जाए, 10 सेकेंड होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 सेकंड का हम वेट करते हैं, 10 सेकंड में आपको बताते हैं कि करना कैसे। 10 सेकंड मेरा हो ही चुका है, बैक कर लीजिएगा। फिर से बैक करके आपको यहाँ सॉफ्टवेयर वर्जन दिखेगा, जस्ट मैनुअल टेस्ट कहीं से आपको सॉफ्टवेयर वर्जन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और अपने फोन का वर्जन चेक कीजिएगा। हमारा फोन एंड्रॉइड वर्जन 11 पर फिलहाल काम कर रहा, तो यहाँ क्या करना है, फैक्ट्री वर्जन पर 11 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टाइम ओके करने के बाद आपका फोन जेनुअली अनलॉक हो चुका है, आप लोग घबराइए नहीं। और ये देखिए हमारा जादू, तो ये देखिए हमारा फोन अनलॉक हो चुका है। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।